हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर्स सेशन ऑफ 17 दिसंबर, इन विच वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर, पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। और फर्स्ट टॉपिक इज एनबी आईओटी नेटवर्क। हम जानेंगे नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क के बारे में। स्काइलोटेक इंडिया हैज पार्टनर विद बीएसएनएल टू लॉन्च ए सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क इन इंडिया। स्काइलोटेक इंडिया ने पार्टनरशिप किया बीएसएनएल के साथ ताकि वो लॉन्च कर सके एक सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क इंडिया पे। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किसने किसके साथ पार्टनरशिप किया है। तो स्काइलोटेक इंडिया ने बीएसएनएल के साथ, ताकि वो मिलकर लॉन्च करे सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क को इंडिया पे। ये वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क होगा। इट विल कनेक्ट विद बीएसएनएल सैटेलाइट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड पैन इंडिया कवरेज इंक्लूडिंग इंडियन सीज। ये जो है कनेक्ट करेगा बीएसएनएल के ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को और प्रोवाइड करेगा पैन इंडिया कवरेज, जिसमें कि वो इंडियन सी को भी कवर करेगा। दिस टेक्नोलॉजी सपोर्ट द टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड नीति आयोग प्लान ऑफ ब्रिंगिंग इंडाइटेनस आईओटी कनेक्टिविटी टू इंडियाज कोर सेक्टर। ये जो टेक्नोलॉजी है नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क का, वो सपोर्ट करेगा टेलीकॉम डिपार्टमेंट और नीति आयोग का जो प्लान था कि वो लाए इंडाइटेनस आईओटी कनेक्टिविटी को, ताकि कनेक्ट किया जा सके इंडिया के कोर सेक्टर को, उसको सपोर्ट करेगा। इट विल ट्रांसफॉर्म इंडियाज लाइफ एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री लाइक एग्रीकल्चर, रेलवे एंड फिशरी। ये ट्रांसफॉर्म करेगा इंडिया के लाइफ को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, रेलवे हो गया, फिशरीज हो गया। ऑल्सो स्काइलो विल हेल्प प्रोवाइड क्रिटिकल डाटा फॉर द लॉजिस्टिक सेक्टर टू इनेबल इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इन 2021। और जो स्काइलो है वो प्रोवाइड करेगा क्रिटिकल डाटा लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए, जो कि इनेबल करेगा इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कोविड-19 वैक्सीन का भी 2021 पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस एडीएमएम प्लस। ये मैंने पहले भी आप लोग को डिटेल्स में बताया है, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पुराना वीडियो का, ताकि आप उसको देख सको। और अभी ये न्यूज में क्यों आया और क्या है उसके बारे में अभी आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो 14th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग एडीएमएम प्लस वॉज हेल्ड रिसेंटली। जो 14th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग था वो अभी हाल ही में हुआ है। अबाउट एडीएमएम प्लस, तो हम एडीएमएम प्लस के बारे में जानेंगे। कंसिस्टेंट विद द एडीएमएम गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ ओपन एंड आउटवर्ड लुकिंग, द सेकंड एडीएमएम इन सिंगापुर इन 2007 एडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट पेपर टू एस्टेब्लिश द एडीएमएम प्लस। ये कंसिस्टेंट था जो एडीएमएम का गाइडिंग प्रिंसिपल था, एक ओपन और आउटवर्ड लुकिंग। सेकंड एडीएमएम का सिंगापुर पर 2007 में हुआ था, उसमें एडॉप्ट किया गया था एक कॉन्सेप्ट पेपर जिसमें बोला गया था कि एस्टेब्लिश किया जाएगा एडीएमएम प्लस को। द एडीएमएम प्लस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एशियान एंड इट एट डायलॉग पार्टनर टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन। जो एडीएमएम प्लस प्लेटफॉर्म है वो एशियान और उसके एट डायलॉग पार्टनर के बीच में है, जो कि स्ट्रेंथन करेंगे सिक्योरिटी को, डिफेंस कॉपरेशन को, पीस, स्टेबिलिटी और डेवलप करेंगे इस रीजन पे। एट डायलॉग पार्टनर आर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूएसए। जो एट डायलॉग पार्टनर है वो कुछ इस प्रकार है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और यूएसए, जिसको कलेक्टिवली हम रिफर करते हैं प्लस कंट्रीज के तौर पे। एग्रीड 5 एरिया ऑफ प्रैक्टिकल कॉपरेशन अंडर द मैकेनिज्म आर, और इन सब ने एग्रीड किया था कि वो 5 एरिया होगा जहां पर प्रैक्टिकली कॉपरेट करेंगे। वो कौन कौन से है? मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, पीस कीपिंग ऑपरेशन एंड मिलिट्री मेडिसिन। तो ये 5 एरिया जिसमें वो प्रैक्टिकली कॉपरेट करेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, पीस कीपिंग ऑपरेशन और मिलिट्री मेडिसिन। 2013 में एक नया प्रायोरिटी एरिया ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन के लिए भी वो तैयार हो गए। ये आप देख सकते हैं एडीएमएम और एडीएमएम प्लस कंट्रीज कौन कौन से है, तो आप इजिली इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। एडीएमएम कंट्रीज आपके एशियान के मेंबर स्टेट है, कौन कौन से? म्यांमार, लाओ पीडीआर, कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्रूनी, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। और एडीएमएम प्लस में तो एशियान के आपके ये 10 कंट्रीज, और जो आपके एट डायलॉग पार्टनर है वो कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, न्यूजीलैंड, रशिया, टोटल 18 कंट्रीज हो गए। नेक्स्ट, एरोसोल इन इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो हम जानेंगे एरोसोल जो आपके इंडो गैंगेटिक प्लेन में मिला है उसके बारे में। इंडो गैंगेटिक प्लेन इज लोकेटेड साउथ एंड अपविंड ऑफ द हिमालयन फुटहिल्स। इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वो आपका लोकेटेड है साउथ और अपविंड में हिमालयन फुटहिल्स के। अ टीम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम हैज फाउंड दैट हाई एरोसोल लोडिंग इन इंडो गैंगेटिक प्लेन हैज इंक्रीज्ड द हाई रेनफॉल इवेंट इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयन रीजन। जो टीम था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के, उन्होंने पाया है कि हाई एरोसोल लोडिंग जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन में, उसके कारण जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा है रेनफॉल का इवेंट का फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन पे। दे हैव फाउंड दैट द पार्टिकुलेट एमिशन कैन अल्टर द फिजिकल एंड डायनेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लाउड सिस्टम। उन्होंने पाया है कि जो पार्टिकुलेट मिशन है वो
अल्टर कर दे रहा है फिजिकल और डायनेमिकल प्रॉपर्टीज को क्लाउड सिस्टम के। दिस अल्टरेशन इन टर्न एम्पलीफाई रेनफॉल इवेंट ओवर ओरोग्राफिक रीजन डाउनविंड ऑफ हाईली पॉल्यूटेड अर्बन रीजन। और ये जो अल्टरेशन है वो क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर दे रहा है रेनफॉल इवेंट को ओरोग्राफिक रीजन पे, डाउनविंड कर दे रहा है जो हाईली पॉल्यूटेड अर्बन एरिया से उस तरफ। द टीम फाउंड क्लियर एसोसिएशन बिटवीन हाई प्रेसिपिटेशन इवेंट, हाई एरोसल लोडिंग एंड हाई मॉइस्ट स्टैटिक एनर्जी वैल्यू। और ये जो टीम है वो उन्होंने पाया है क्लियर एसोसिएशन हाई प्रेसिपिटेशन इवेंट के बीच में, हाई एरोसोल लोडिंग और हाई मॉइस्ट स्टैटिक एनर्जी वैल्यू के बीच में भी। जो मॉइस्ट स्टैटिक एनर्जी है वो एक एयर मास है जो कि इंक्लूड करता है पोटेंशियल एनर्जी को उसके हाइट अबव द ग्राउंड से, और लेटेंट हीट जो कि उसके मॉइस्चर कंटेंट में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो हम जानेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। अंडर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड सब्सिडी फॉर 2 ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉय इंगेज ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 एंड अप टू 30 जून 2021। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड करेंगे सब्सिडी 2 साल के लिए जो न्यू एम्प्लॉय है जो कि इंगेज किए जाएंगे आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 और अप टू 30 जून 2021 के बीच में। गवर्नमेंट विल पे बोथ 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो कि 24% ऑफ वेज होगा टुवर्ड ईपीएफ इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉय इन एस्टेब्लिशिंग employing up to 1000 employee for 2 years। गवर्नमेंट जो है वो पे करेंगे दोनों 12% employee contribution और जो 12% employer contribution है 24% of wages का towards EPF में in respect of new employee के जो कि establish करेंगे employing up to 1000 employee को 2 साल के लिए। गवर्नमेंट विल पे ओनली employee share of EPF contribution that is 12% of wage in respect of new employee in establishment employing more than 1000 employee for 2 years। और गवर्नमेंट जो है वो पे करेंगे सिर्फ employee का जो share है EPF contribution में जो कि 12% है वेज का इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉय के एस्टेब्लिशमेंट जो कि एम्प्लॉय करेगा मोर देन 1000 एम्प्लॉय को 2 साल के लिए। एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या है, एन एम्प्लॉय ड्रॉइंग मंथली वेजेस ऑफ लेस देन ₹15,000 हु आर नॉट वर्किंग इन एनी एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर विद द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बिफोर 1 अक्टूबर 2020 एंड डिड नॉट हैव अ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और ईपीएफ मेंबर अकाउंट नंबर प्रायर टू 1 अक्टूबर 2020 विल बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट। जो एम्प्लॉय जो कि ड्रॉ करेंगे मंथली वेजेस लेस देन ₹15,000 के और जो कि वर्क नहीं कर रहे होंगे किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जो कि रजिस्टर हो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बिफोर 1 अक्टूबर 2020 के और उनका कोई भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर व ईपीएफ मेंबर अकाउंट नहीं होना चाहिए प्रायर टू 1 अक्टूबर 2020 के वो एलिजिबल होंगे इस बेनिफिट के लिए। एनी ईपीएफ मेंबर पोसेशन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ड्रॉइंग मंथली वेज ऑफ लेस देन ₹15,000 हु मेड एग्जिट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक फ्रॉम मार्च 1, 2020 टू सेप्टेम्बर 30, 2020 एंड डिड नॉट ज्वाइन एम्प्लॉयमेंट इन एनी ईपीएफ कवर एस्टेब्लिशमेंट अप टू सेप्टेम्बर 30 विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट। और कोई भी ईपीएफ मेंबर जो कि जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है जो कि ड्रॉ कर रहे हो मंथली वेजेस लेस देन 15,000 और जो कि एग्जिट कर गए हो एम्प्लॉयमेंट से कोविड पैंडेमिक के समय पे मार्च 1, 2020 से सितंबर 30, 2020 के बीच में और उन्होंने अगर नहीं ज्वाइन किया होगा कोई भी एम्प्लॉयमेंट ईपीएफ कवर एस्टेब्लिशमेंट में अप टू सितंबर 30 तक तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे इस बेनिफिट के लिए। न्यूज में क्यों आया, the union cabinet has given its approval for Atmanirbhar Bharat Yojana to boost employment in formal sector and incentivize creation of new employment opportunity during the COVID recovery phase under Atmanirbhar Bharat Package 3.0। जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूवल कर दिया है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए ताकि वो बूस्ट कर सके एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल सेक्टर पे और इंसेंटिवाइज कर सके क्रिएशन न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का ड्यूरिंग कोविड रिकवरी फेज में अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म टू इंड कस्टोडियल टॉर्चर। तो कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की बात की जा रही है ताकि समाप्त किया जा सके जो कस्टडी में टॉर्चर होता है, तो हम उसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज टू कर्व कस्टोडियल टॉर्चर, इंस्टॉल करना चाहिए सीसीटीवी कैमरा को ताकि कर्व किया जा सके कस्टोडियल टॉर्चर को। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली मैंडेटेड दैट सीसीटीवी कैमरा बी इंस्टॉल्ड इन पुलिस स्टेशन एंड ऑफिसर्स ऑफ अदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली मैंडेटरी कर दिया है कि सीसीटीवी कैमरा जो उसको इंस्टॉल करना होगा पुलिस स्टेशन पे और अदर ऑफिसर्स में जहां पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हाउएवर प्रीवियस डिसीजन विथ सिमिलर रिकमेंडेशन हैव बीन पुअरली इम्प्लीमेंटेड, लेकिन जो प्रीवियस डिसीजन था सिमिलर रिकमेंडेशन का उसको बहुत ही पुअरली इम्प्लीमेंट किया गया है। द प्रेजेंट डिसीजन शो ए मार्क डिफरेंस देन द अर्लियर वन इन इस अप्रोच, लेकिन जो प्रेजेंट डिसीजन है वो एक डिफरेंस शो कर रहा है अर्लियर वन से इसके अप्रोच में।
it shows more care by listing out areas of police station where cameras must be installed to ensure that there are no blind spot. ये जो है काफी केयर रख रहा है लिस्ट करने में एरियाज को पुलिस स्टेशन के कैमरा को लगाने को लेकर कि वैसे एरिया में कैमरा इंस्टॉल करना है ताकि इंश्योर किया जा सके कि कोई भी ब्लाइंड स्पॉट ना हो जिसका कोई फायदा हो टॉर्चर करने में. इट आस्क फॉर ओवरसाइट कमिटी टू बी सेटअप टू मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ द कमिटी. और इन्होंने बोला है कि एक ओवरसाइट कमिटी को सेटअप करना होगा जो कि मॉनिटर करेंगे फंक्शनिंग ऑफ कैमराज को. इट ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट कैमरा मस्ट बी इक्विप्ड विद नाइट विजन एंड बी एबल टू रिकॉर्ड ऑडियो एंड विजुअल फुटेज. इन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया कि जो कैमरा वो इक्विप होना चाहिए नाइट विजन से और वो एबल होना चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए ऑडियो और विजुअल फुटेज को. द रिकॉर्डिंग विल हैव टू बी प्रिजर्व फॉर एटलीस्ट 12 मंथ. और जो रिकॉर्डिंग है उसको प्रिजर्व करके रखना होगा कम से कम 12 मंथ के लिए. इश्यू विद इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमरा. क्या इश्यू है इंस्टॉल करने को लेकर सीसीटीवी कैमरा को. अल्टरेशन ऑफ वीडियो टू कॉन्सील एन ऑब्जेक्ट एन इवेंट और चेंज द मीनिंग कन्वेड बाई द वीडियो इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड रियलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट. जो अल्टरेशन होता है वीडियो का कॉन्सील एंड ऑब्जेक्ट का जो एक इवेंट है जो कि चेंज कर देता है मीनिंग जो कि कन्वे किया गया है वीडियो के द्वारा ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है यूएस में. इंडियन कोर्ट हैव ऑल्सो एक्सप्रेस देयर एप्रीहेंशन ऑफ पुलिस टेम्परिंग विद सीसीटीवी फुटेज. और इंडियन कोर्ट ने भी एक्सप्रेस किया अपना एप्रीहेंशन पुलिस टेम्पर कर सकते हैं सीसीटीवी फुटेज को. द जजमेंट डज नॉट एश्योर दिस कॉन्सर्न. और जो जजमेंट है वो नहीं एश्योर कर रहा है इस कॉन्सर्न को इस प्रॉब्लम को. कैमराज इन पुलिस स्टेशन विल नॉट फॉरक्लोज द पॉसिबिलिटी ऑफ टॉर्चर इन अदर लोकेशन. और जो कैमरा है पुलिस स्टेशन पे वो फॉरक्लोज नहीं कर सकता जो पॉसिबिलिटी है टॉर्चर का अदर लोकेशन पे. अदर लोकेशन पर टॉर्चर तब भी पॉसिबल रहेगा. मल्टीपल वर्क ऑन टॉर्चर इन इंडिया सजेस्ट दैट टॉर्चर इज ऑफन नॉट इन्फ्लिक्टेड इन पुलिस स्टेशन बट आइसोलेटेड एरिया और पुलिस व्हीकल. और बहुत सारा जो वर्क है टॉर्चर का इंडिया पे वो सजेस्ट करता है कि टॉर्चर जो है वो ऑफन नहीं पुलिस स्टेशन पे नहीं होता है बल्कि आइसोलेटेड एरिया और पुलिस व्हीकल पे होता है. विक्टिम आर इलीगली डिटेन एंड टॉर्चर इन अनडिस्क्लोज लोकेशन बिफोर ऑफिशियली अरेस्टेड एंड ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन. और विक्टिम को इलीगली डिटेन किया जाता है टॉर्चर किया जाता है अनडिस्क्लोज लोकेशन पे ऑफिशियली अरेस्ट करने के पहले और लाने के पहले पुलिस स्टेशन के. तो ये सारा इश्यू अभी भी परसिस्ट कर जाएगा. चैलेंज इन फिक्सिंग क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या चैलेंजेस या फिक्स करने को लेकर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को. थिन टॉर्चर इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन ऑफेंस पर से अंडर इंडियन लॉ. द जजमेंट रिफरेंस टू द यूज ऑफ फोर्स रिजल्टिंग इन सीरियस इंजुरीज एंड कस्टडियल डेथ अनविटिंगली क्रिएट अ हाई थ्रेशोल्ड फॉर व्हाट अमाउंट टू टॉर्चर. तो टॉर्चर है उसको नहीं रिकॉग्नाइज किया गया एक ऑफेंस के तौर पर से अंडर इंडियन लॉ के. जो जजमेंट का रिफरेंस है वो बता रहा है कि जो यूज किया जा रहा है फोर्स का उसके कारण जो सीरियस इंजुरीज होता है वो जो कस्टोडियल डेथ होता है ये अनविटिंगली क्रिएट कर रहा है एक हाई थ्रेशोल्ड एक किस अमाउंट का टॉर्चर किया गया है वह होता है. इट फेल टू एक्नोलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल टॉर्चर दैट लिव बिहाइंड नो मार्क ऑन द बॉडी. और ये जो है वो नहीं एक्नोलेज कर रहा जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है फिजिकल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर का जिसमें कोई भी मार्क्स बॉडी पे नहीं होते इस काइंड के भी टॉर्चर किए जाते हैं. रिक्वायरिंग प्रायर सेंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑपरेट एज द फोरमोस्ट हर्डल इनिशिएटिंग क्रिमिनल कंप्लेंट. और जो जरूरत है प्रायर सेंक्शन का गवर्नमेंट का जो कि फोरमोस्ट हर्डल है इनिशिएट करने के लिए क्रिमिनल कंप्लेंट को ये भी एक हर्डल है. The absence of statutory guidelines mandating independent investigation result in police officer from the same police station investigating the crime and suppressing evidence. जो एब्सेंस है कोई भी स्टेटूटरी गाइडलाइंस नहीं है जो कि मैंडेट करे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट को पुलिस ऑफिसर का सेम पुलिस स्टेशन से जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे क्राइम को. और इस कारण क्या होता है सप्रेस किया जाता है एविडेंस को. बिटवीन 2005 टू 2018 विथ रेस्पेक्ट टू 1208 इन पुलिस कस्टडी 593 केसेस वेयर रजिस्टर 186 पुलिस पर्सनल वेयर चार्ज सीटेड एंड ओनली 7 वेयर कन्विक्टेड. 2005 से 2018 के बीच में 1200 डेथ हुआ है पुलिस कस्टडी में जिसमें 593 केसेस से सिर्फ रजिस्टर हुए 186 पुलिस पर्सनल के खिलाफ इसे आरसेट फाइल हुई और उसमें से सिर्फ 7 ही कन्विक्टेड पाए गए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के अनुसार. इविडेंटियली कंसर्न फ्रीक्वेंटली अराइज सिंस ऑफन द ओनली विटनेसेस आर द विक्टिम देमसेल्फ. और जो इविडेंटियली कंसर्न यहाँ पे क्या है कि जो विटनेसेस है वो सिर्फ विक्टिम ही होते हैं. The Supreme Court 1995 had noted that police officials remain silent to protect their colleague as they are bound by brotherhood and held that court should not insist on direct or ocular evidence in these cases. और सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में नोट किया था कि जो पुलिस ऑफिसर है वो साइलेंट रहते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने कोलिग को क्योंकि वो बंधे हुए हैं ब्रदरहुड से. और इस कारण क्या है कोर्ट जो है नहीं इंसिस्ट कर सकता डायरेक्ट और ओकुलर एविडेंस इस केसेस में क्योंकि उसको एविडेंस मिलेगा नहीं.
द पोजिशन इज रेयरली अप्लाइड इन मैनी केसेस रिजल्ट इन एक्विटल फॉर वांट ऑफ एविडेंस। और जो पोजिशन वो रेयरली अप्लाइड हो पाता है बहुत सारे केसेस में, रिजल्ट क्या होता है जो एक्विटल जो जरूरत है एविडेंस का नहीं मिल पाता है। कंक्लूजन इससे हम क्या निकालेंगे, मॉनिटरिंग द पुलिस रोल सीसीटीवी इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड कॉम्बेटिंग टॉर्चर बट इट्स इफेक्टिवनेस इज कंटिजेंट ऑन ब्रॉडर रिफॉर्म। द सुप्रीम कोर्ट नीड टू इंश्योर ए रॉबस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स ऑर्डर एंड साइमल्टेनियसली प्लग द गैप सो दैट इंसिडेंट ऑफ टॉर्चर आर कर्टेल। कि जो मॉनिटर करना है पुलिस स्टेशन को सीसीटीवी के द्वारा, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है कॉम्बैट करने के लिए टॉर्चर को, लेकिन जो इसका इफेक्टिवनेस है कंटिजेंट को लेकर ब्रॉडर रिफॉर्म को वो डिपेंड करेगा। सुप्रीम कोर्ट को जरूरत है कि वो इंश्योर करे कि एक रॉबस्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इसके ऑर्डर का, और साथ साथ जो गैप है लूप होल्स रह गया उसको भी कम किया जा सके, ताकि जो इंसिडेंट है टॉर्चर का उसको कर्टेल किया जा सके, पूरी तरीके से कर्व किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोरक्को टू नॉर्मलाइज टाइज विद इसराइल। तो हम जानेंगे मोरक्को जो है नॉर्मलाइज कर रहा है अपना रिश्ता इसराइल के साथ। मोरक्को हैज बिकम द फोर्थ अरब नेशन दिस ईयर टू रिकॉग्नाइज इसराइल आफ्टर इंटरवेंशन बाय द यूएस। मोरक्को जो है वो चौथा अरब नेशन इस साल बन गया है जिसने रिकॉग्नाइज किया है इसराइल को इंटरवेंशन के बाद यूएस के। इसराइल एंड मोरक्को, तो हम जानेंगे इसराइल एंड मोरक्को के बारे में। अफ्टर द यूएई बहरेन एंड सूडान मोरक्को इज द फोर्थ अरब स्टेट सिंस अगस्त टू कमिट टू एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द ज्यूइश स्टेट। यूएई बहरेन एंड सूडान के बाद मोरक्को चौथा अरब स्टेट बन गया अगस्त में जिसने अगस्त के बाद जिसने कमिट किया कि वो एस्टेब्लिश करेगा डिप्लोमेटिक रिलेशन ज्यूइश स्टेट के साथ। मोरक्को एंड इसराइल हैज रेस्पेक्टिवली मेंटेन लियासन ऑफिस इन टेल अवीव एंड रबात इन 1990s बिफोर क्लोजिंग देम इन 2000। मोरक्को और इसराइल का जो था रेस्पेक्टिवली उन्होंने मेंटेन किया था लियासन ऑफिस को टेल अवीव एंड रबात में 1990 तक, जब उन्होंने क्लोज किया था इसको फाइनली 2000 में। इजरायली पीएम नेतन्याहू एंटीसिपेटेड डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन द टू कंट्रीज सून। और जो इजरायल का पीएम थे नेतन्याहू ने, उन्होंने एंटीसिपेट किया था डायरेक्ट फ्लाइट जो थे दोनों कंट्रीज के बीच में सून। पैलेस्टीनियन ऑफिशियल कंडेम द एग्रीमेंट सेइंग इट इनकरेज इजराइल डिनाइल ऑफ देयर राइट। और जो पैलेस्टीनियन ऑफिशियल थे उन्होंने कंडेम किया था इस एग्रीमेंट को, उनका कहना था कि ये इनकरेज कर रहा है इजराइल के डिनाइल ऑफ राइट को। ये आप देख सकते हैं मोरक्को का लोकेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोरक्को इधर आपका अल्जीरिया हो गया, नीचे मॉरिशियाना हो गया, बुसाइड लीबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनन, ग्रीस, तुर्की, ये आपको पूरा मैप। अब फॉर द सेक ऑफ वेस्टर्न सहारा, ये जो आपका वेस्टर्न सहारा का एरिया है तो ऊपर आप देख सकते हो कि मोरक्को कंट्रोल टेरिटरी है, और ये जो आपका डार्क ऑरेंज में है ये पॉलिस्टोरियो कंट्रोल टेरिटरी है, ये मॉरिशियाना है आपका। आप यहाँ पे देखिए ये मोरक्को मॉरिशियाना ये नीचे, ठीक है। अब द व्हाइट हाउस सेड द यूएस वुड रिकॉग्नाइज मोरक्को क्लेम ओवर वेस्टर्न सहारा एज ए पार्ट ऑफ द डील विद इसराइल। व्हाइट हाउस का कहना है कि यूएस जो है वो रिकॉग्नाइज करा है मोरक्को का क्लेम वेस्टर्न सहारा पे, क्योंकि वो पार्ट था डील का इसराइल के साथ। द यूएस रिकॉग्नाइज मोरक्कन सॉवरेंटी ओवर द इंटायर वेस्टर्न सहारा टेरिटरी। और जो यूएस है रिकॉग्नाइज करता है मोरक्कन सॉवरेंटी को इंटायर वेस्टर्न सहारा टेरिटरी पर, जो पूरा वेस्टर्न सहारा टेरिटरी आप यहाँ पे देख सकते हैं उसमें यूएस रिकॉग्नाइज करा है कि पूरा मोरक्को का है। अ फॉर्मर स्पेनिश कॉलोनी इट वॉज एनेक्स बाई मोरक्को इन 1975। और जो फॉर्मर स्पेनिश कॉलोनी था जिसको एनेक्स किया गया था मोरक्को के द्वारा 1975 में, सिंस देन इट हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ ए लॉन्ग रनिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन मोरक्को एंड इट इंडिजेनस सहरवी पीपल। उस समय से ये जो है सब्जेक्ट बन गया एक लॉन्ग रनिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट का मोरक्को और उसके इंडिजेनस सहरवी पीपल के बीच में। मोरक्को सेज इट हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी व्हाइल द अफ्रीकन यूनियन रिकॉग्नाइज इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मोरक्को का कहना है कि ये उसका टेरिटरी का हिस्सा है जबकि अफ्रीकन यूनियन रिकॉग्नाइज करता है इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में। अ 16 ईयर लॉन्ग इंसर्जेंसी इंडेड विद एन यूएन ब्रोकर ट्रूस इन 1991 एंड द प्रॉमिस ऑफ ए रिफ्रेंडम ऑन इंडिपेंडेंट विच हैज येट टू टेक प्लेस। और जो 16 ईयर लॉन्ग इंसर्जेंसी था वो इंड किया एक यूएन ब्रोकर ट्रूस के द्वारा 1991 पे, और प्रॉमिस किया गया कि एक रिफ्रेंडम होगा इंडिपेंडेंस के लिए विच हैज येट टू टेक प्लेस, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। व्हाई अरब कंट्रीज आर नॉर्मलाइजिंग देयर टाइज विद इसराइल, क्यों अभी हाल फिलहाल में जो चार कंट्रीज ने अपना नॉर्मलाइज कर दिया टाइज इसराइल के साथ, तो हम ये जानेंगे। तो सबसे पहला रीजन है इकोनॉमिक। द गल्फ स्टेट सी अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड एंड मोर। द डील हेल्प एम्बिशियस गल्फ हु हैज बिल्ट देमसेल्फ इनटू मिलिट्री पावर एज वेल एज प्लेस टू डू बिजनेसेस। जो गल्फ स्टेट है वो देख रहे हो अपॉर्चुनिटी ट्रेड एंड मोर का, ये मदद करेगा उनको जो उनका एम्बिशियस गल्फ का ड्रीम है उसको पूरा करने में, जिन्होंने बिल्ड किया खुद के मिलिट्री पावर को साथ साथ प्लेस किया बिजनेसेस को। कॉमन एनिमी द यूएई हैज यूज इट ऑलरेडी वेल इक्विप्ड आर्म फोर्सेस इन लीबिया एंड येमेन बट इट मोस्ट सीरियस पोटेंशियल एनिमी इज ईरान जस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ गल्फ। और जो यूएई है उसने यूज किया है पहले से ही अपना इक्विप आर्म फोर्सेस को लीबिया एंड येमेन पे, लेकिन जो सीरियस पोटेंशियल एनिमी है उसका ईरान जो कि अदर साइड में है गल्फ का। फॉर द आयरन वॉल, जो आयरन वॉल है नॉर्मलाइजिंग इट रिलेशन विद गल्फ इज अ जेन्युइन अचीवमेंट फॉर द इजराइल हु इज ए बिलीवर इन द स्ट्रेटेजी फर्स्ट डिस्क्राइब इन 1920 ऑफ एन आयरन वॉल।
बिटवीन द जूश स्टेट एंड अरब। नॉर्मलाइज करना इसके रिलेशन को गल्फ के साथ एक जेन्युइन अचीवमेंट होगा इसराइल के लिए, जो कि बिलीव करता है स्ट्रेटेजी जो कि पहली बार डिस्क्राइब किया गया था 1920 पे आयरन वर्ल्ड का जूश स्टेट और अरब के बीच में। That's all for daily current affairs session. If you like our video, then subscribe our channel, like the video and share the video. These are our social media link. From here also, you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.